नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। साल में 4 फिल्में रिलीज करने वाले अक्षय कुमार 2019 में अपनी बोहनी करने को तैयार हैं। आखिरी बार रजनीकांत के साथ 2.0 में दिखे थे, आगे फिल्म केसरी में दिखने वाले हैं। 12 फरवरी को अक्षय कुमार की फिल्म के 2 टीज़र रिलीज किए गए थे। इसे केसरी की झलकियाँ यानी ग्लिम्सेस ऑफ केसरी नाम से रिलीज़ किया गया था। अब केसरी का धाकड़ ट्रेलर भी आ गया है। ट्रेलर तो देख ही चुके होंगे, नहीं भी देखे हो तो ये वीडियो देखने के बाद देख लेना। लेकिन केसरी फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हमारे साथी श्वेतांक ने खोज कर निकाली हैं, पहले वो जान लीजिए। ये फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई पर बेस्ड है। 12 अक्टूबर 1897 के दिन लड़ी गई सारागढ़ी की जंग ब्रिटिश की तरफ से भारतीय सेना के जवानों और अफगानों के बीच हुई थी। ये लड़ाई खास इसलिए है क्योंकि इसमें 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने 10,000 अफगान लड़ाकों का सामना किया था। फिल्म में अक्षय कुमार हवलदार ईश्वर सिंह के किरदार में दिखाई देंगे, जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इन 21 लोगों ने अफगान लड़ाकों की हालत पतली कर दी थी। ये लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और हार नहीं मानी। इस ऐतिहासिक लड़ाई को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेलर से अंदाज़ा ये लग रहा है कि फिल्म काफ़ी वजनदार होने वाली है। एक चीज़ जो ट्रेलर में ध्यान खींचती है वो ये कि अक्षय कुमार अपने 20 सिख सैनिकों से एक मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। जब उनके सैनिक ये करने से मना कर देते हैं, वहाँ पर उनका दिया हुआ तर्क भी ठीक लगता है, लेकिन इस सीन की ऑथेंटिसिटी संदेहास्पद है। ये श्योर नहीं है कि ऐसा असल में हुआ था या सिर्फ फिल्म के लिए इसे गढ़ा गया है। रोंगटे खड़े करने वाले ट्रेलर में एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी जो आज के जनरेशन को जाननी चाहिए वो बता रहा है, और अक्षय कुमार की देशभक्ति फिल्मों वाली स्ट्रीक को भी आगे बढ़ा रहा है। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा काम कर रही हैं, और इन दोनों के अलावा मैंने प्यार किया वाली भाग्यश्री, बजरंगी भाईजान फेम मीर सरवर, दी कपिल शर्मा शो से लेकर मणिकर्णिका तक दिखने वाले एडवर्ड सोने ब्लिक और परमाणु वाले मार्क बेरिंगटन जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। केसरी को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुराग सिंह इससे पहले कई पंजाबी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। 2007 में उन्होंने रकीब नाम की एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई थी। पंजाबी फिल्मों की बात की जाए तो अनुराग ने अब तक कुल 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें से 5 में दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल्स किए हैं। इनमें जट एंड जूलियट सीरीज, पंजाब 1984 और सुपर सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। केसरी फिल्म की शूटिंग 5 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, जो 31 दिसंबर 2018 को जाकर ख़त्म हुई। इस दौरान केसरी की टीम ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से शहर वई, जयपुर और मुंबई में शूटिंग की। वई में गुलिस्तान और सारागढ़ी फोर्ट का सेट बनवाया गया था, जहां फिल्म के लिए ज़रूरी हिस्से फिल्माए गए। अब केसरी बनकर तैयार है और 21 मार्च को सिनेमाघरों में उतर रही है। कैसी होगी ये फिल्म, ये देखने के बाद पता चलेगा। रिव्यू के लिए आपको मालूम ही ना कहाँ आना है, हमारे ही द लल्लन टॉप के एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर सब कुछ सबसे पहले आ जाता है। और यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज भी है, उसे भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।